मैं आपको सर्दियों में खाई जाने वाली बहुत ही ज्यादा हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनाना बताती हूँ, कैसे बनाई जाती है। इसे हम हलीम का काढ़ा या खीर भी कह सकते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि सर्दियों में ये हमारे शरीर को गर्म रखती है और अनेक रोगों में भी ये बहुत ज्यादा फायदा करती है, जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटना दर्द, अनिद्रा, थकान, कमजोरी और ऐसे अनेक रोगों में यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसीलिए हमें सर्दी में इसे 2 से 3 बार जरूर खाना चाहिए। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए ये हमने हलीम सीड्स ली है। ये हमें इजली किराने की दुकान पे मिल जाती है। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप इन्हें ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये इस तरीके की तिल की तरह होती है और ये काफी सस्ती आती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम 4 लोगों के लिए बना रहे हैं, तो इसीलिए अब हम इसके 4 टेबल स्पून लेंगे। आप जितने लोगों के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से आप ले लें। हमें इसे ज्यादा यूज नहीं करना है क्योंकि ये काफी गर्म होती है। अब हम इसके अंदर 1 कप पानी डाल देते और इसे मिक्स कर देते और 3 से 4 घंटे के लिए अब हम इसे फूलने के लिए रख देते। आप चाहें तो इसे फूलने के लिए ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया है। ये इस तरीके से डिब्बे में आता है। 4 घंटे करीब हो गए हैं, अब ये काफी फूल गया है। देखिए ये जेल की तरह हो गया है। चलिए रेसिपी बना लेते हैं। इसके लिए हमने गैस पे पैन रख दिया है। अब हम इसके अंदर 1/2 लीटर दूध डाल देते हैं। दूध आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप पीना पसंद करते हैं। अगर आपके पास गाय का दूध है तो और भी अच्छा है। अब हम दूध को बॉइल होने देते हैं। अब ये दूध बॉइल हो गया है। अब हम दूध के अंदर जो हमने हलीम भिगोई थी वो डाल देते हैं और दूध के अंदर इसे मिक्स कर देते हैं और इसे 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अब हम इसे पकाएंगे और बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहेंगे। जब तक ये पक रहा है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। ये हमने 10 से 12 काजू लिए हैं, 10 से 12 बादाम। इन्हें हम मिक्सी में डाल के दरदरा पीस लेते हैं। आप ड्राई फ्रूट कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं और क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें सिर्फ काजू और सिर्फ बादाम भी डाल सकते हैं। आप सभी को पता ही है कि ड्राई फ्रूट कितने हमारी हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं। ये हमने ड्राई फ्रूट को मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। 7 मिनट करीब हो गए हैं। अब ये सीड्स भी काफी फूल गई हैं और दूध भी गाढ़ा हो गया है। ये जो हमने काजू बादाम पीसे थे वो डाल देते। ये हमने 1/4 टीस्पून सॉल्ट पाउडर लिया है, जिसे जिंजर पाउडर भी बोलते हैं, वो डाल देते हैं, क्योंकि जिंजर पाउडर सर्दी में बहुत ज्यादा फायदा करता है क्योंकि ये गर्म होता है। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते और 1 मिनट के लिए और पका लेते। ये हमने जायफल लिया है, जिसे नटमेग भी कहते हैं। अब हम इसे भी थोड़ा सा इसमें कस देते। हमें इसे ज्यादा नहीं कसना है, बस थोड़ा सा ही कसना है, क्योंकि जायफल भी सर्दियों में बहुत ज्यादा फायदा करता है। ये भी हमारे शरीर को गर्म रखता है। ये जायफल डालने से क्या होगा कि इसके अंदर खुशबू अच्छी आएगी और ये खीर खाने में भी टेस्टी लगेगी। अब हम जायफल को भी मिक्स कर देते। अब ये खीर बन के तैयार हो गई है। आप देख पा रहे कितनी बढ़िया खीर बनी है। हमने अभी इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो इसके अंदर इस समय 1/4 कप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस खीर को और भी ज्यादा हेल्दी बनाएंगे, इसके लिए हम इसमें गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सर्दियों में इस समय गुड़ भी बहुत आता है और गुड़ हमारी हेल्थ के लिए फायदेमंद भी बहुत होता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते और इस खीर को हल्का सा ठंडा होने देते। इसके बाद हम गुड़ डालेंगे। अगर हम गर्म में गुड़ डालेंगे तो हो सकता है दूध फट जाए। अब हम इसे चलाते हुए 2 मिनट के लिए ठंडा कर लेते। 2 मिनट करीब हो गए, अब ये खीर भी हल्की ठंडी हो गई है। ये हमने 1/4 कप गुड़ लिया है। अगर हम ग्राम में नापे तो ये 50 ग्राम है। अब हम गुड़ को इसके अंदर डाल देते। गुड़ आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। गुड़ के हमने छोटे छोटे पीस कर लिए थे, जिससे कि हमें मेल्ट करने में आसानी रहेगी। गुड़ को अच्छे से खीर के अंदर मिक्स कर देते हैं।
ये खीर खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आप भी इसको बनाइए, आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आपने सर्दियों में हेल्दी लड्डू, बर्फी और दूध तो बहुत खाया पिया होगा, लेकिन एक बार अगर आपने इस खीर को खा लिया तो आप हमेशा इसी खीर को बना करके खाएंगे, क्योंकि ये हेल्थ के लिए होती इतनी फायदेमंद है। अब इसके अंदर गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब ये खीर बनके तैयार हो गई है। आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया लग रही है। अब हम इस खीर को सर्व कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया खीर बनके तैयार हुई है। इसे बनाना भी बहुत आसान है, झट से बनके तैयार हो जाती है। आप इन सीड्स को रात को भिंगो के रख दे और सुबह इसको बना सकते हैं। इसे वैसे तो खाली पेट ही खाया जाता है, तो ज्यादा फायदा करती है। अगर आप चाहें तो इसे कभी भी बना करके खा सकते हैं। अगर आप इस खीर को हफ्ते में 2-3 बार खाएंगे तो जो सर्दियों में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सभी सॉल्व हो जाएंगी। अब ये खीर देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगे इसके लिए अब हम इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। इस खीर को बड़े, बच्चे, बुजुर्ग सभी खा सकते हैं। ये सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है। आप इस खीर को बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो आप फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करना तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको सर्दियों में खाई जाने वाली और भी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी देखनी है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए। उन रेसिपियों को मैं जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूंगी। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।